जब सब्लिमेशन के बारे में बात करते हैं तो सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, हमें पता है देखो बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो कन्वर्ट होते हैं गैस में सॉलिड से, जब उनको हीट किया जाता है और कन्वर्ट हो जाते हैं गैस टू सॉलिड व्हेन कूल्ड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में आए बिना ही अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है और गैस हमारे पास यहाँ पर सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है विदाउट कमिंग लिक्विड फेज, तो ये जो प्रोसेस होती है हमारे पास, जो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं सबलाइम। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सबलाइम कहलाते हैं। चलिए जैसे आपने देखा होगा कपूर, कपूर समझते हो ना, शक्ति कपूर नहीं पूजा कपूर, जो पूजा में यूज करते हैं, आप उसको धूप में रख दो वो डायरेक्ट भाप बन के उड़ जाएगा, है ना। ऐसा ही होता है आग जलाने में, उसको थोड़ा सा यूज किया जाता है हवन वगैरह के अंदर। ये है हमारे पास, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं सप्लाई की, तो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, ये एक तरीके का नमक होता है, ठीक है। नेप्थलीन बॉल्स, नेप्थलीन बॉल्स आती है, कैंपर है, कैंपर यानी कि कपूर। तो ये डाइट आपके क्या होते हैं, ये सबलाइन कहलाते हैं, जो बेसिकली डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर कभी किसी सबलाइम वाले सब्सटेंस का मिक्सचर होता है किसी दूसरे सब्सटेंस का, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं सबलिमेशन मेथड, ठीक। अब मेरे पास मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर एक चाइना डिश ले ली मैंने, ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये सॉल्यूशन डाल दी, अब ये जो क्यू वाला है ये दिस इज कॉल्ड द थर्मल परिपथ, जैसे का कॉमन सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट होता है जो नमक हम लोग खाते हैं, कॉमन सॉल्ट है। इसका फार्मूला होता है NaCl, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने लिया है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये भी एक तरीके का सॉल्ट है, ये भी एक तरीके का सॉल्ट है, दैट इज द अमोनियम क्लोराइड। यहाँ देखिए सब बच्चे, ठीक है, और हमने यहाँ पर इनको क्या किया बेटा, अब इन मैं दोनों को यहाँ पर हीट करूंगा, मैं इन दोनों को यहाँ पर क्या करूंगा बच्चों, हीट करूंगा। यहाँ पर मेरे पास बर्नर फ्लेम है, मैंने इसके थ्रू इसको हीट कर रहा हूँ। अब मुझे पता है हीट करने से जो NH4Cl है ये कैसा सब्सटेंस है, ये सबलाइम है, यानी इजिली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक इन्वर्टेड फनल ली, और इसके ऊपर उल्टी करके रख दी, ठीक है। अब जो कॉमन सॉल्ट होता है NaCl होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, यानी बॉइल कर रहा हूँ इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर मिलते हैं अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये मेरा वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जाने लगे। अब यहाँ पर ये जगह नैरो है, जब ये यहाँ ऊपर जाएगा तो मैं देखता हूँ कि मैंने यहाँ पर इसको ये देखिए कॉटन से बंद कर दी, ये मैंने इसको कॉटन लगा दिया यहाँ पर जिससे बंद हो गया। अब ये एरिया जो है यहाँ पर नैरो है, तंग है, जिसकी वजह से क्या होता है सरफेस एरिया कम हो गया, और सरफेस एरिया कम हो गया तो यही जो अमोनियम क्लोराइड है ये सरफेस के ऊपर चिपक गया। NH4Cl गैस फॉर्म में था लेकिन थोड़ा सा कूलिंग है यहाँ के मुकाबले, तो ये यहाँ पर दोबारा से सॉलिड फॉर्म में इसके ऊपर चिपक गया। फनल हटाएंगे, कॉमन सॉल्ट अलग हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड मेरे पास अलग हो जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड द सबलिमेशन।
कॉमन सॉल्ट मेरे पास चाइना डिश में रह जाता है, जबकि हम अमोनियम क्लोराइड को बाद में इसमें से स्क्रैच करके फनल के इनर वॉल में से सेपरेट कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सब्लिमेशन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे क्रोमेटोग्राफिक पेपर के बारे में बात कर। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ क्रोमेटोग्राफिक। मान लीजिए मेरे पास ये एक बीकर है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया जी, यहां तक पानी भर दिया, ठीक है, और एक पेपर अगर मैंने इसके अंदर डिप कर दिया, तो इतना ही डिप है यहां तक, ऊपर से डिप नहीं है, ऊपर हवा में इतना डिप है, आपको क्या लगता है ये जो जो पेपर है ये ऊपर से भी गीला होगा या नहीं होगा? थोड़ा बहुत ये पानी जो है ये ऊपर चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? इसके अंदर थोड़ी बहुत नमी आएगी या नहीं आएगी? तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, किस तरीके से हम किसको सेपरेट कर रहे हैं? देखो बेसिकली इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेवल स्पीड ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर अलोंग विद वाटर। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए क्या ये दही बीकर, ये बीकर है, इसके अंदर ये वाटर मैंने यहां तक डाल दिया है थोड़ा सा, और एक पेपर लिया है जिसको मैं बोलता हूँ क्रोमेटोग्राफिक पेपर, क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ठीक है, वो मैंने यहां पर ले लिया, वो इसके अंदर मैंने डिप कर दिया। अगर मान लीजिए मैंने किसी तरीके से यहां पर इसको या रबर पे या किसी तरीके से पैक कर इसको टाई कर दिया है ना, मैंने इसको हैंग कर दिया, देखो तो अगर ये वाटर के अंदर डिप है तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत वाटर इसके ऊपर चढ़ेगा बाय डिफॉल्ट, ये ऊपर तक गीला हो जाएगा, ये कंफर्म है। अब ये जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, मैंने क्या किया इसके ऊपर एक मार्क कर दिया पेंसिल, ठीक, और इसी मार्क पर मैंने एक इंक की ड्रॉप डाल दी। जो इंक होता है बेसिकली इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर का मिक्सचर होता है, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई ऑफ डिफरेंट कलर। तो बहुत टाइप के क्रोमेटोग्राफी मेथड होते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, इंक लिया, डाई जो है उससे इंक से सेपरेट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज। तो एक स्ट्रिप होती है फिल्टर पेपर की, उसको मैंने डिप किया इंक में, यहाँ पर क्या करूंगा एक इंक का मैंने मार्क डाला, लाइन से डाल दिया, और उसके बाद मैंने उसको इस स्टिकर के अंदर यहाँ पर हैंग कर दिया पानी के अंदर, कहाँ तक, जहां तक ये इंक। अब मैं क्या देखूंगा, ये इंक डिफरेंट डिफरेंट कलर से मिली हुई है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर की वाटर के साथ एक स्पीड होती है ट्रेवलिंग की बेसिकली। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ये इसके अंदर रेड कलर, तो रेड कलर यहाँ तक जाएगा वाटर के साथ, ऊपर रेज होगा मेरा, चलिए ये ब्लू कलर पर्पल कलर जो मेरा यहाँ तक जाएगा, ग्रीन कलर जो है मेरा इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है वो यहाँ तक जाएगा, ब्लैक कलर जो है वो यहाँ तक जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है अपनी ट्रेवलिंग स्पीड के हिसाब से वाटर के साथ ऊपर राइज होते चले जाएंगे, इससे मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से कलर है। सो फॉर दिस स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर इज डिप इनटू द इंक पार्टिकल्स ऑफ डाई, के जो भी पार्टिकल स्टार्ट राइजिंग ऑन द फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफी पेपर अलोंग विद वाटर, तो डिफरेंट डिफरेंट डाई के जो कलर है राइज विद डिफरेंट स्पीड से ऊपर बढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्योंकि हर एक कलर की वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, एंड गो अप टू सर्टेन हाइट तक ये जा रहा है। इस मेथड को हम कहाँ यूज करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कलर को निकालने में दिस एप्लीकेशन यूज टू सेपरेट कलर फ्रॉम अ डाई, सेपरेशन ऑफ पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, ये बहुत अच्छी बात है, नेचुरल कलर में से उनके पिगमेंट्स को डिराइव करने में, एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू द सेपरेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए जो पैथ लैब्स वगैरह होती है उनके अंदर भी वहां पर ये मेथड हमारा यूज किया जाता है। देखिए डिस्टिलेशन मेथड के बारे में जब हम बात करते हैं, तो डिस्टिलेशन मेथड बेसिकली कब यूज किया जाता है, यूज्ड टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड,
तो ऐसे लिक्विड है यहाँ पर जो आपस में मिक्स हो चुके हैं, जो मिसिबल होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात होती है, एक टेक्निक होती है, या कह सकते हैं कि कंडीशन होती है, कि जो टेक्निक होती है डिस्टिलेशन की, वो बेस्ड होती है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड, इन दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये नॉर्मली उन लिक्विड्स को सेपरेट करता है विच डू नॉट डिकम्पोज, जो एक तो डिकम्पोज नहीं होते इवन अप टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स पर पहुंचने के बाद, और शुड बॉइल एट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, का जो डिफरेंस है वो कम से कम इनके बीच में होना चाहिए। इन दोनों लिक्विड्स के बीच में कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, वो यहाँ पर होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए दो लिक्विड है, दो का मिक्सचर हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है, और ऑब्वियस ही बात है कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर्स फॉर्म में उड़ेगा, और जिसका ज्यादा है वो बाद में जाएगा। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का तो डिफरेंस एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये मेरे पास बीकर है फ्लास्क सॉरी, और इसके अंदर ये दोनों लिक्विड का मिक्सचर। ठीक, यहाँ पर मैं इसको हीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको स्टैंड पे जो होल्ड करवा रखा है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि इसी के अंदर इस तरीके से हमारे पास एक ओपनिंग यहाँ से अलग है इस क्लास के अंदर, और इसके ऊपर मैं ठंडे पानी की इन एंड आउट का सिस्टम मैंने दे रखा है। अब क्या होगा समझिएगा, यहाँ पर मैंने खाली देखा, कोई भी सब्सटेंस है जिनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंट 25 डिग्री सेल्सियस का मिनिमम होना ही होना चाहिए। जैसे वाटर ले लो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, कोई ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग लगभग 75 हो। तो जब हम दोनों को यहाँ पर बॉईल करते हैं तो हम देखते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मान लो 75 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे ही टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस पहुंचा वो वेपर्स फॉर्म में आ गया, और वेपर्स फॉर्म में आने के बाद यहाँ से, अब यहाँ पर मैंने एक स्टोर कर रखी है, मान लो इसके अंदर मैंने क्या करता है, यहाँ पर थर्मामीटर डाल रखा है, दिस इज द थर्मोमीटर जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, अगर टेम्परेचर 75 से हम 90, 80, 100 से भी ऊपर ना कर दे, पता चल दोनों ही लिक्विड वेपर फॉर्म में हो, तो मैंने थर्मामीटर यहाँ पर लगा रखा है और यहाँ पर इसको प्रॉपरली सील कर रखा है। ठीक, अब जैसे ही वेपर्स आई तो वेपर यहाँ पर भी इस तरीके से, और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ठंडे पानी की जो है ट्यूब लगा रखी है इनलेट, जिसकी वजह से वेपर्स कूलिंग इफेक्ट के कारण यहाँ पर यहाँ कंडेंस हुई और वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दोबारा से यहाँ पर आ, तो मेरे पास यहाँ पर लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म है। तो जो लिक्विड था जिसका मेरा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 के आसपास है वो यही रह गया, और जिसका लगभग 75 के आसपास है वो यहाँ चला गया, ये सेपरेट हो। तो डिस्टिलेशन यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू प्रिंसिपल लिक्विड दैट बॉइल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। और ये जो मेथड है बेसिकली यूज किया जाता है टू प्योरीफाई मैनी लिक्विड, सच एज वाटर को भी प्योरीफाई करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ डिस्टिलेशन से अलग नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दो। देखो डिस्टिलेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टिलेशन में हम लोग ये कर रहे हैं कि दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर रहे हैं जो आपस में मिक्स हो रखी है, लेकिन उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस लगभग लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच में बॉइलिंग। ठीक है,
लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे उसमें तो एसीटोन और वाटर ले लो, एसीटोन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वाटर का थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू दैट। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिक्स है और उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, देन वी यूज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पर करते हैं उसी एपरेटस में उसी समय, टू सेपरेट ऑल द कंपोनेंट्स फ्रॉम ईच अदर। और ये प्रोसेस नॉर्मली की जाती है एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए या पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी, ठीक है। वहां पर ये चीजें हम देखते हैं यूज होती है। तो इसमें होता क्या है, जब हम हीट करेंगे, समझ रहा, हीट करने में क्या होता है कि जब हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ये ग्लास बीड्स होती है बेटा, और ये ग्लास बीड्स क्या करती है, उनको ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। ग्लास बीड्स क्या करती है, ये ग्लास बीड्स उनको यहाँ पर ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, और जब ये ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी देन व्हाट हैपन, यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो इसके ऊपर चिपक जाती है, ठीक है। तो उनके पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, हम देखते हैं वेपर्स फॉर्म में चला गया, थर्मामीटर हम लोगों ने मेंटेन करता है, तो वाटर वेपर्स यहाँ पर जो है गैसेस की जो वेपर्स होती है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, और जब तो यहाँ पर वाटर वेपर्स की फॉर्म में जाती है, तो हम देखा कंडेंसर हम लोगों ने यूज कर रखा है, कोल्ड वाटर इन कोल्ड वाटर आउट, जिसकी वजह से वो कंडेंस होकर के हमारे पास प्योर लिक्विड यहाँ पर सेपरेट हो रहा है। तो इफ देयर आर मोर देन टू कॉम्पोनेंट मिक्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, देन वी यूज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सेम सेटअप है, बस इसके अंदर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम लोगों ने यूज किया है, और ये जो फ्रैक्शनल कॉलम है इसके अंदर हम लोगों ने ग्लास बीड यूज करी है, जो क्या कर रही है, सिर्फ सरफेस एरिया प्रोवाइड कर, ठीक है जी। वो वहां पर क्या कर रही है बच्चों, आपको वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है आपको ज्यादा से ज्यादा। और ये मेथड यूज किया जाता है टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर एंड पेट्रोलियम। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 8th में कि जो पेट्रोल होता है, ठीक है, वहां पर हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं। तो पेट्रोलियम जो होता है उसको सेपरेट करते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे पैराफिन टैक्स होता है, लिब्रिकेटिंग ऑयल होता है, डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, पेट्रोल गैस इवन बाय दिस मेथड, इस मेथड से हम उसको यहाँ पर सेपरेट करते हैं। जो पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी होती है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है, केमिकल प्लांट्स होते हैं, या जहाँ पर नेचुरल गैस प्रोसेसिंग होती है, या क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट्स होते हैं, वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज किया है। ऑयल रिफाइनरी कंपनी ने यूज किया था कुछ सेपरेट क्रूड ऑयल यूजफुल सब्सटेंसेस को फैक्टर लेने के लिए, इवन इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक जूस के लिए भी यूज करते हैं, और इन द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन लिक्विड नाइट्रोजन एंड आर्गन फ्रॉम एयर। सो दीज आर द